कि मुझ पे इतना नियाजी करम हो गया। दुनिया कहने लगी पंजे तन का गदा, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। सैयदों से प्यार तुम करो, सैयदों पे जानवार दो, ये जानवार दो। सैयदों से प्यार तुम करो, सैयदों पे जानवार दो। उठो उठो ए सुन्नियों के वक्त का पयाम है, बड़ो बड़ो के सैयदों के काम ही से नाम है। उठो उठो ए सुन्नियों के वक्त का पयाम है, बड़ो बड़ो के सैयदों के काम ही से नाम है। लगाओ दिल में ये लगन, करेंगे सैयदों के काम। सैयदों से प्यार तुम करो, सैयदों पे जानवार दो, ये जानवार दो। सैयदों से प्यार तुम करो, सैयदों पे जानवार दो। लुटा दो अर्जो आसमां ये पंज तन के नाम पर, निसार कर दो अपनी जा ये पंज तन के नाम पर। लुटा दो अर्जो आसमां ये पंज तन के नाम पर, निसार कर दो अपनी जा ये पंज तन के नाम पर। सरों पे बांध कर कफन, करेंगे सैयदों के काम। सैयदों से प्यार तुम करो, सैयदों पे जानवार दो, ये जानवार दो। सैयदों से प्यार तुम करो, सैयदों पे जानवार दो। कभी नहीं बुझेगा अब ये चूल्हा सैयदों के घर, हरा हुआ रखेंगे आबोदाना सैयदों के घर। कभी नहीं बुझेगा अब ये चूल्हा सैयदों के घर, हरा हुआ रखेंगे आबोदाना सैयदों के घर। लुटा के अपना सारा धन, करेंगे सैयदों के काम। सैयदों से प्यार तुम करो, सैयदों पे जानवार दो, ये जानवार दो। सैयदों से प्यार तुम करो, सैयदों पे जानवार दो। हदीस मुस्तफा है ये, करो ख्याल आल का, आल का खुदा भी इसका हो गया। हदीस पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आह गई अर्श पे ये आग की किस्मत, हर आह गई अर्श पे ये आग की किस्मत। हर अश्क पे एक खुल्द है, हर अश्क की कीमत, हर अश्क पे एक खुल्द है, हर अश्क की कीमत। तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। तमाम सब लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। परवाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। शुक्रे खुदा के आज गणी उस सफर की है, शुक्रे खुदा के आज गणी उस सफर की है, जिस पर निसार जान पला गो जफर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। परवाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। गर्मी है तप है दर्द है कुलपत सफर की है, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है।
काटते हैं मारे जाते हैं यूं ही सुना किए हर बार दी वो अमन की गैरत हजर की है हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए हीले बहाने वालों को ये राह डर की है ये राह डर की है पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे ये ढलती चांदनी तो पगर दो पगर की है आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा पूछा था हमसे जिसने के नुहजत किधर की है आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है तहियत शजर की है उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहे उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है खबर बेखबर की है जिन्नो बशर सलाम को हाजिर गया सलाम जिन्नो बशर सलाम को हाजिर गया सलाम ये बारगाह मालिक जिन्नो बशर की है आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए देखा नहीं के भीख ये किस ऊंचे घर की है किस ऊंचे घर की है अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिर दोस्त का दिमाग उतरी हुई Hallelujah.
आए हुए तमाम माँ बहन शरीर है, सबके सब बच्चों के साथ मिल करके अष्टम की सराहना करेंगे। इन बच्चों का इंतखाब किया गया अष्टम की सराहने के लिए, हमारे ये जो तशरीफ लाए और अष्टम की सराहना Allahumma salli ala sayyidina wa maulana
मकरूबियत में लड़ कर देते हैं, लेकिन हमारा सबसे अच्छा और कीमती वक्त वही है जो इबादत और इताअत में गुजर जाए, क्योंकि जिक्र इलाही जिंदगी है और जिक्र इलाही से गफलत मौत और शर्मिंदगी है। माय डियर इस्लामिक सिस्टर, वी आस्क यू ऑल ऑफ अस टू स्पेंड आवर प्रीशियस टाइम बाय पार्टिसिपेटिंग मेनी अदर वर्क, बट द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रीशियस टाइम दैट वी स्पेंड इन आवर लाइफ इज दैट टाइम व्हिच वी स्पेंड इन प्रेइंग गॉड एंड दैट इज अल्लाह, बिकॉज वी बिलीव दैट लाइफ इज फॉर प्रेइंग गॉड एंड इफ वी फॉरगेट अवर गॉड इट इज अ बिग अशेम टू अस। As we all of us know that the founder of Al Jamiatul Ashrafiya, Khadijatul Kubra Lil Banat, Huzur Ashraful Ulama, Abul Hasan Sayyid Muhammad Ashraf Ashrafiul Jilani is present on stage. I want to speak a few words about Huzur Ashraful Ulama, Abul Hasan Sayyid Muhammad Ashraf Ashrafiul Jilani. He was born on 30th December. He started his education in Kichocha Sharif and later he completed his education in Darul Ulum Ahle Sunnah Jabalpur. He defeated all the difficulties which was faced from the public and achieved success in his life. It is a great matter of honor that we are studying in Al Jamiatul Ashrafiya, Khadijatul Kubra Lil Banat, which is the University of Huzur Ashraful Ulama, Abul Hasan Sayyid Muhammad Ashraf Ashrafiul Jilani. My dear Islamic brothers and sisters, as we all of us know that Islam is the best way of life. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala has planned for all the creatures in the universe. Allah says that mankind is the best among my creatures, and the care and obedience for parents is one of the fundamental principles of Islam. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran that do not utter a harsh experience or ignore your parents. Be always polite, soft and gentle towards them. They are among the first that need to be loved and cared for them. Care for them and treated authentically, especially during their old days. Allah subhanahu wa ta'ala bestows his blessings on those who love and care for their parents. And Allah's anger is directed towards those who ill-treat their parents. If anybody performs Hajj for his or her mother after their death, Allah subhanahu wa ta'ala will free him or her from the punishment of the hell. My dear Islamic sisters, as we all of us know, there are a number of miracles that performed by Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. The beautiful miracle that performed by Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is the splitting of a womb. When Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam was 52 years old, the disbelievers of the Quraysh tribe came to him and said, "If you are a prophet, then split the moon into two parts." Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam clearly wanted the people to convert to Islam, especially his close friends and relatives. So he prayed, raising up his hands. Then the moon split into two parts. Each part of the moon was seen about different mountains. The disbelievers of the Quraysh tribe said, "Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam has performed magic." They did not accept Islam. अब मैं बिला ताखीर बज्म का आगाज कलामे इलाही से करना चाहती हूँ, जिसका पढ़ना और पढ़ाना इबादत है, जिसका पढ़ना और पढ़ाना इबादत है, जिसका सुनना और सुनाना भी इबादत है, जिसका पढ़ना और पढ़ाना इबादत है, जिसका सुनना और सुनाना भी इबादत है, तो चूमना और सीने से लगाना भी इबादत है। अब मैं एक ऐसी कारिया को आवाज़ दे रही हूँ जिसकी आवाज़ में कशिश और लहने दाऊदी भी है। मेरी मुराद सैयदा उम्मे सलमा अशरफी के वो आए और तिलावत कलाम इलाही से महफिल का आगाज करें। माय डियर इस्लामिक सिस्टर, एज वी ऑल ऑफ अस नो देयर आर नंबर ऑफ मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट द ग्रेटेस्ट मिरेकल परफॉर्म्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द रेवोल्यूशन ऑफ कुरान। टिल दिस डे नो पर्सन हैज बीन एबल टू ब्रिंग अ वर्क इक्वल टू दैट ऑफ द होली कुरान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस सैयदा उम्मे सलमा अशरफी टू कम टू माय टू रिसाइट द होली कुरान। महफिल की इब्तिदा कुरान मजीद से, महफिल की इब्तिदा कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से। Thank you.
माशाल्लाह माशाल्लाह तिलावत कुरान मजीद से एक कह आवाज समा हो गया है। महफिल में एकदम मुअद्दबाना खामोशी छा गई है। हर तरफ निहायत ही अमन और सुकून का पहरा है। सुभान अल्लाह, आफ्टर लिसनिंग द वंडरफुल सूरत ऑफ कुरान मजीद द होम कॉन्फ्रेंस सराउंडेड बाई कम्प्लीट साइलेंस एंड पीस। अब मैं इसके बाद आवाज़ देने जा रही हूँ नाते शरीफ गुनगुनाने के लिए आमिना सऊद अशरफी को कि वो आए नाते शरीफ से हम तमाम सामियात को नवाजे। नाउ आई कॉल अपॉन टू मिस आमिना सऊद अशरफी टू रिसाइट ए नात एंड मेक दिस गैदरिंग मच मोर हैप्पी। ना पूछो मुझसे कि क्या आमिना के लाल में है रही खुदा को भी मंजूर उसकी पुष्टगी, रही खुदा को भी मंजूर उसकी पुष्टगी। ना पूछो मुझसे कि क्या आमिना के लाल में है। आमिना सऊद अशरफी तशरीफ लाइए। नाते पर